जनसा थानाध्यक्ष संयुक्त टीम के कॉन्सेप्ट को दिखा रहे ठेंगा। कोर्ट के आदेश का उल्लंघन, आखिर कब थमेगा पुलिस का यह खेल। राजस्व अधिकारियों को दरकिनार कर जबरदस्ती करवा रहे निर्माण। बड़ा सवाल, थानाध्यक्ष को मनमानी करने की छूट आखिर किसने दी। यूपी में सख्त कानून व्यवस्था के बाद भी थानाध्यक्ष जनसा लेखपाल की बात को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को राजस्व अधिकारी समझते हुए जबरदस्ती निर्माण क्यों करा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। जनसा थानाध्यक्ष की निगरानी में जनसा थाना क्षेत्र के भत्सार व कोरोना में भी स्थगन आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण कराया जाना कहां तक जायज है। थाना प्रभारी खुद करवा रहे स्टे की जमीन पर निर्माण। तनाव, पत्रकारों से बातचीत में थाना प्रभारी जनसा के बिगड़े बोल। बोले, लेखपाल की बात को नहीं मानता, खुद करता हूं जमीन के मामले में निर्णय। वाराणसी जनपद के जनसा थाना प्रभारी दुर्गा सिंह व हल्का दरोगा पवन यादव का कारनामा इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दीवानी स्थगन आदेश हो या अन्य किसी जिम्मेदार राजस्व अधिकारी का फरमान, थानाध्यक्ष और हल्का प्रभारी के लिए ऐसे आदेशों को नजरअंदाज करना कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजस्व अधिकारियों का काम राजस्व मामलों का निस्तारण करना है और पुलिस का काम मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखना है। राजस्व अधिकारियों की तरफ से आदेश तो कर दिया जाता है, लेकिन पुलिस विभाग राजस्व अधिकारियों को नजरअंदाज कर उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त टीम के कॉन्सेप्ट की लगातार धज्जियां उड़ा रहा है। सोचिए जरा, पत्रकारों के लिखने के बावजूद भी थानाध्यक्ष की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आम जनता, जिसे पूरे दिन रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, ऐसे पुलिस कर्मियों का सामना कैसे कर सकती है। जी हाँ, आम जनता को ऐसे पुलिस कर्मियों के सामने न्याय के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। जनसा थानाध्यक्ष की लापरवाही का ऐसा ही एक मामला जनसा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनियारीपुर से प्रकाश में आया है। उक्त गांव निवासी गोवर्धन पांडे के पक्ष की तरफ से दीवानी कोर्ट द्वारा आराजी नंबर 296 पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से नागेंद्र यादव के पक्ष द्वारा दीवानी से आराजी नंबर 298 पर इस आशय का आदेश प्राप्त हुआ है कि उनके भूमि पर किसी भी निर्माण कार्य में कोई हस्तक्षेप न करे। पीड़ित गोवर्धन पांडे का आरोप है कि विपक्षी नागेंद्र यादव के परिजन आराजी नंबर 296 पर अवैध तरीके से अपना निर्माण करवा रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी के साथ यह कह रहे हैं कि हमारा निर्माण 298 की अराजी पर हो रहा है। पीड़ित गोवर्धन पांडे का कहना है कि रविवार को पूर्वाहन मैंने जनसा थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी दुर्गा सिंह व हल्का लेखपाल पवन यादव से मिलकर अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, तो उपरोक्त दोनों अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि वह निर्माण 296 पर नहीं बल्कि 298 पर हो रहा है, इसलिए किसी भी कीमत पर निर्माण कार्य नहीं रोका जाएगा। थानाध्यक्ष ने कहा कि तुम्हें जहां भी जाकर शिकायत करनी है कर सकते हो, जवाब मुझे देना है मैं दे लूंगा। पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल ने मेरे समक्ष हल्का दरोगा पवन यादव को फोन पर बताया कि जो निर्माण कराया जा रहा है वह 296 की अराजी पर हो रहा है। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी व हल्का दरोगा कह रहे हैं कि मैं लेखपाल की बात नहीं मानता हूं, मेरी समझ में जो आता है मैं वही करता हूं। सवाल तो यह उठता है कि दीवानी न्यायालय से अराजी नंबर 296 पर स्थगन आदेश पारित है और अराजी नंबर 298 पर भी निर्माण कार्य में हस्तक्षेप न करने संबंधित आदेश पारित हुआ है। अब ऐसे में अराजी नंबर 296 व अराजी नंबर 298 मौके पर कहां है, इसका निर्धारण सिर्फ राजस्व विभाग के लोग ही कर सकते हैं, न कि थाना प्रभारी व हल्का दरोगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि हल्का लेखपाल ने हल्का दरोगा पवन यादव को साफ शब्दों में यह बता दिया कि निर्माण 296 पर हो रहा है। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी दुर्गा सिंह व हल्का दरोगा पवन यादव लेखपाल की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हल्का दरोगा पवन यादव ने यह स्वीकार किया कि लेखपाल ने यह जरूर बताया है कि अराजी नंबर 296 पर निर्माण हो रहा है, पर हम उनकी बात को नहीं मानते हैं, लेखपाल हमें लिख कर देंगे तब मानेंगे। वहीं जनसा थाना क्षेत्र के भत्सार गांव निवासी अरविंद पटेल तथा इसी थाना क्षेत्र के कोरोना गांव निवासी श्याम पांडे ने जनसा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों द्वारा लिए गए कोर्ट से स्थगन आदेश के बावजूद भी वे विपक्षियों से मिलकर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। थाना प्रभारी दुर्गा सिंह ने कहा कि मैं निर्माण को किसी भी कीमत पर नहीं रोकूंगा, यदि गोवर्धन पांडे की ओर से निर्माण कार्य को रोका जाएगा तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेजूंगा, मेरे ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं।
मामले में थानाध्यक्ष के भूमिका की जांच अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए लोकप्रिय एडीजी स्तर से होनी चाहिए। बताते चले कि यह हाल केवल जनसा थाने का ही नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के अन्य कई थाने भी राजस्व मामलों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पुलिस विभाग के प्रदेश, जोन और जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा यदि समय रहते ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग नहीं की गई, तो निश्चय ही ऐसे विवाद प्रदेश सरकार के सख्त कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज साबित होंगे। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।